आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। आइए देखते हैं हमारी रेसिपी। पालक पनीर बनाने के लिए हमने 250 ग्राम के करीब पनीर और 2 प्याज की प्यूरी, टमाटर को पीसकर और हमने लंबे स्लाइस में प्याज काट ली है और यहाँ सभी खड़े मसाले ले लिए हैं। 1 कटोरी फ्रेश दही, 1 कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लेंगे हम। ऑयल गर्म होने पर हम पनीर को थोड़ा फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के बाद हम अलग बाउल में निकाल लेंगे और उसी ऑयल में हम ये सब खड़े मसाले ऐड कर देंगे। कटे हुए लंबे स्लाइस की प्याज ऐड करेंगे, इसे भूनेंगे हल्का ब्राउन होने तक। इसका कच्चापन निकल जाने तक हम इसे भूनेंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हरी मिर्च और लहसुन कटे हुए डालेंगे, इन्हें भी भूनेंगे चलाएंगे। अब प्याज की प्यूरी, इसे पकाएंगे 5 मिनट तक। अब इसमें सूखे मसाले 1/2 टेबल स्पून, हल्दी, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार, टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे, इसे चलाएंगे और जब तक मसाले का कच्चापन निकले तब तक इसे हम पकाएंगे ढककर 5 मिनट तक। हमारा मसाला पक चुका है। इसमें 1 कटोरी फ्रेश दही ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब हम फ्रेश मलाई, मलाई से अलग ही टेक्सचर आता है। अब हमने पालक जो पीसा हुआ था उसे ऐड करेंगे, इसे ढककर हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे। अब फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून के करीब। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।